हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ समता छाबरिया अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो दैन प्लीज़ गो हैड एन सब्सक्राइब टू माई चैनल यू कैन ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू विल भी नोटिफाइड विथ माई वीडियोज़ और अगर आपने मुझे पहले भी देखा है मेरे वीडियोज़ पहले भी देखे हैं दैन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी तो आज का जो वीडियो है वो एक मेकअप वीडियो है और मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है ये एक टिपिकल इंडियन मेकअप लुक है जो आप मतलब सीरियल्स में भी देख सकते हो जहाँ पे बिल्कुल सिंपल अगर किसी को दिखाना है सिंपल इंडियन मेकअप लुक जो सभी लोग चाहते हैं बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे मेकअप लुक में जहाँ पे ज़्यादा मेकअप किया हुआ ऐसे ना लगे सिंपल लगे प्रेजेंटेबल लगे इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल लगे तो आई वॉन्टेड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ मेकअप लुक एंड आई होप आई हैव अचीव्ड इट टू सम एक्सटेंट तो जो मॉम्स होती है और जो मैरिड औरतें होती हैं उनको ऐसे टाइप का मेकअप लुक करना बहुत पसंद होता है बिकॉज दे वांट टू बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर लाइक दे डोंट वांट टू बी लाइक आउट ऑफ द प्लेस उनको मेकअप करना होता है लेकिन वो जब बाहर जाती है तो उनको कुछ मतलब सभी के साथ जब बाहर जाती है तो उनको कुछ अलग नहीं दिखना होता है लेकिन येट दे वॉन्ट टू लुक प्रजेंटेबल एंड यस एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक वेरी प्रजेंटेबल सो उनके लिए खास मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स uh, यूज़ करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है uh, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आई शैडोज पहनने से हिचकिचाते हैं बिकॉज़ दे डोंट वॉन्ट लाइक एवरीबडी टू सी सम काइंड ऑफ अ वेरी You know loud thing on their eyes and um, the and also like they hesitate to wear lipstick too. So I have got some products which are very very subtle and yeah yet yeah, they are going to when you apply them आप आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि बहुत ही loud है. तो मैंने ऐसे products use करके ये makeup look create किया है. So let's get started देखते हैं कैसे ये makeup look जाता है. ओके okay, शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र और मैं अच्छे से इसे स्किन में स्प्रेड कर रही हूँ फिर मैंने लिया है ये एले प्रोगर्ल का कलर करेक्टर और जहाँ पर भी मुझे कलर कलर करेक्शन करना है वहाँ पे मैं इसे यूज़ करती हूँ फिर ये कबू की ब्रश रूबीज़ ऑर्गेनिक का उससे मैं ये ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से उसके बाद हम कंसीलर लगाएंगे मेबलिन का और कंसीलर मैं जनरली अंडर आइज पर ही लगाती हूँ और इसे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ रूबीज़ ऑर्गेनिक ब्रश के साथ आप कंसीलर लगाने के बाद इसे पाउडर से भी सेट कर सकते हो उसके बाद मैं लूंगी फाउंडेशन फेसेस कैनेडा का और ये बहुत ही बढ़िया फ़ाउंडेशन है फुल कवरेज तो नहीं देगा लेकिन इस लुक के लिए फुल कवरेज चाहिए भी नहीं क्योंकि नेचुरल लुक करना है आपको तो ये मैं इसे नेक पोर्शन पे भी लगा रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन में ताकि मुझे एक अच्छे अच्छा बेस मिले और स्किन बिल्कुल ही फ्रेश और ग्लोई नज़र आए अब मैं ये लॉरियल पैरिस का जीनियस किट यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रोज करने के लिए तो इसे मैं लेकर अच्छे से नैचुरल ब्रोज के लुक में इसे बस टचअप की तरह ही मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद इसके पीछे एक ब्रश भी होता है जिससे आप इसे ब्रश आउट कर सकते हैं इससे काफ़ी नेचुरल लुक आता है अब मैं ये पेंसिल ले रही हूँ ये है शामबॉर का ब्राउन कलर आई पेंसिल और बहुत ही बढ़िया और शिमरी थोड़ा सा शिमर है इसमें तो ये बहुत ही मुझे बढ़िया लगा ये पेंसिल इसे मैं एक आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं शैंबोर का आई शेडो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इन द शेड पिंक और ये मिड ऑफ द आईज़ पर लगा रही हूँ मैं ये दोनों आई शेडोज़ को ब्लेंड करूँगी क्योंकि मुझे ये ऐसे शार्प लुक नहीं चाहिए बहुत ही ब्लेंडेबल लुक चाहिए ये मैं सिल्वर द पर्ल इसे बोलते हैं ये शैम्पो का आई शेडो ले रही हूँ और इसे मैं इनर कॉर्नर्स में प्लेस कर रही हूँ और इसके इसे प्लेस करने के बाद भी मैं अपना पूरा जो आई लुक है वो ब्लेंड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट आई लुक चाहिए अब मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हो ये आई लुक बहुत ही ब्लेंडेड और बहुत ही सॉफ्ट ऐसा आया है तो आप ज़रूर ये शैम्बोर के आई शेडोज़ ट्राई करना ये बहुत ही कंफर्टेबल है फ़ॉर डेली यूज़ और जनरल पर्पस फॉर जो मतलब ज़्यादा आई शेडोज़ लगाने नहीं चाहते तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया आई शेडोज़ है उसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का मस्कारा और ये मस्कारा मैं लैशेस पर ऊपर और नीचे दोनों लैशेज़ पर लगाऊंगी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है इससे और लैशेज़ बड़ी भी दिखती है अब मैंने लिया है कलर बार का लिपस्टिक जो कि मतलब बहुत ही लाइट शेड है इसे कहते हैं ग्लेस और ये एक लिक्विड लिपस्टिक है बस ट्रांसपेरेंट टाइप और ये ले रही हूँ मेबलिन का ब्रॉन्स और ये ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ अपने नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर टाइप करने के लिए और चीक्स को भी मैं ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैंने लिया है इनिस फ्री का ब्लश जो कि है पीच कलर में और मैं चीक्स और नोज़ एरिया पे ये ब्लश लगा रही हूँ अब मैं uh, मेरे ड्रेस को मैचिंग बिंदी लगा रही हूँ रेड कलर में आप आई लुक भी नोटिस कर सकते हो इसमें पॉज करके और मैंने हेयर स्टाइल बिल्कुल ही सिंपल रखी है एक क्लचर लगाया है पीछे बहुत ही ईजी और सिंपल मेरा लुक आया है डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ बेनिफिशियल लगा हो आपके कोई इंटरेस्ट का रहा हो और uh, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गो हैड एंड हिट दैट लाइक बटन आप को कोई डाउट्स हो किसी प्रोडक्ट के बारे में या इस मेकअप लुक के बारे में देन प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और प्लीज़ गो हैड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर विलिंग फॉर दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक्स And um, I'm going to meet you soon in my next video. So take care, bye bye.